दिस एनर्जी और ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको भी पता होता है कि कहीं ना कहीं सच है लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं उन चीजों को उन चीजों को लेकर आप कहीं ना कहीं डिफेंसिव या ऑफेंसिव हो जाते हैं ठीक है तो आ, मुझे आपके इस एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी जिस चीज के बारे में बात करने जा रही हूँ उसको आज तो मैं शब्दों में एक्सप्लेन कर रही हूँ अगली बार से मैं स्क्रीन स्क्रीन screen पर ज़रूर लगाऊंगी आपके ही कमेंट्स के पहली चीज़ किसी ने ये चीज़ कही कि शी इज़ कलेक्टिंग कस्टमर्स तो आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मेरे पास ना एक लिमिटेड नंबर है मतलब जो मेरा सोल पर्पस है ना उसके रिगार्ड में मेरे पास एक लिमिटेड नंबर है उस लिमिटेड नंबर तक ही मैं रीडिंग्स लूँगी उसके बाद ये जो मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ या मैं आपको हीलिंग्स प्रोवाइड करती हूँ वो मैं बंद कर दूँगी ठीक है पहली चीज़ ये दूसरी चीज़ ये कि मुझे भी अपने व्यूज़ अप करने पसंद हैं मतलब अगर मैं आपके सामने शुगर कोटेड रीडिंग डालूंगी आप उसे ज़्यादा टाइम तक देखेंगे और उसके बाद वो आगे रिव्यू में चला जाएगा सजेशन लिस्ट में चला जाएगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम है मैं भी तो अच्छी अच्छी स्वीट स्वीट सी बातें कर सकती हूँ इज एंड दूसरी चीज़ आप में से शायद पता नहीं किसने कमेंट किया था कि ये ऐसी रीडिंग्स हमें डीमोटिवेट करती हैं तो आप मोटिवेट किस चीज़ के लिए होना चाह रहे हैं उस झूठ के लिए जिस झूठ को आप जी रहे हैं उस झूठ के लिए आप मोटिवेट होना चाहते हैं आपका झूठ जो है अभी तक आपकी जिंदगी को यहीं पर रोक कर खड़ा है और आप उसी झूठ के लिए मोटिवेट होकर आ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो कैसे बढ़ पाएंगे आप आगे आप वहीं के वहीं अटके रह जाएंगे बहुत कम लोग हैं जो आपको सच्चाई दिखाते हैं नहीं तो आपके पार्टनर आ जाएंगे वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं वो आपको कॉल करेंगे वो आपको मैसेज करेंगे उनके अंदर ये फीलिंग्स है ये सारी चीज़ें जो कहना वो उतना ही आसान मेरे लिए भी हो सकता है ना मैंने खुद ने कई ऐसी रीडिंग्स देखी हैं सच बता रही हूँ कल की जो आपके कमेंट्स हैं उसके बाद मैंने दो तीन रीडिंग्स ऐसी देखी हैं जहां पे कार्ड्स का मतलब कुछ और है और मतलब कुछ और बताया जा रहा है एंड लोग वहाँ इसलिए खुश हैं बिकॉज इट इज़ अ शुगर कोटेड रीडिंग सो काइंडली पहली चीज़ जो लोग यहाँ पर शुगर कोटेड रीडिंग्स देखने आए हैं वो अभी के अभी रीडिंग को स्किप कर दें ठीक है यहाँ पर मैं अपना सोल पर्पज़ फुलफिल करने के लिए बैठी हूँ मैं यहाँ पर किसी को भी उनके कानों को जो अच्छा लग रहा है वो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूं। द अदर थिंग अगर आप कस्टमर्स वाली बात करते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर जाइए सोल डिवाइन जर्नी टैरो चैनल का नाम है वहां पर आपको ये चीज नजर आएगी कि मैं वहां पर एंजेलिक गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ जैसे कि आपका डेली हॉरास्कोप होता है तो उसमें कौन सा मेरे कस्टमर्स मैं इकट्ठे कर रही हूँ बताइए जरा वो एक सेल्फलेस जॉब है ठीक है वो भी आप ही के लिए करती हूँ और अपने सोल पर्पज के लिए करती हूँ मॉर्निंग में आपके करंट फीलिंग्स आते हैं आपके पार्टनर को लेकर उसके बारे में वह, वहाँ पर बात करती हूँ उसमें कौन से मैं कस्टमर्स इकट्ठे कर रही हूँ वो भी बता दीजिएगा तो दूसरों को लेकर जजमेंट्स पास करनी बहुत आसान है और मुझे लेकर कोई भी अगर जजमेंटल है मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहां पर जो मैं काम कर रही हूं ना वो डिवाइन की तरफ से कुछ चैनलाइज्ड काम है मैं वो चीज़ कर रही हूँ मैं इससे बढ़कर और कोई भी चीज़ नहीं कर रही हूं तो आप लोगों की जजमेंट से मुझे इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और स्पेशली कुछ ऐसा एज ग्रुप है 18 से लेके 22 साल वाला जो ग्रुप है ना वो लोग तो मतलब दे आर ऑन अ नेक्स्ट लेवल ठीक है मुझे कभी भी इन चीज़ों के बारे में बात करनी पसंद नहीं है मैं हमेशा आती हूँ आपके साथ कोई ऐसे डायरेक्ट बात नहीं करती हूँ मैं सिर्फ आपको आपकी एनर्जीज प्रोवाइड करती हूँ जो भी निकल कर आता है और मैं अपनी वीडियो को वहीं पर फिनिश कर देती हूँ लेकिन आज मैंने इस चीज़ को ज़रूरी समझा बिकॉज इट इज़ लाइक कि अगर कोई बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहते जाएंगे ठीक है अगली बार से कमेंट करने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ में सावधान हो जाइएगा कि वो चीज़ मैं स्क्रीन के रूप में यहाँ पर लगाऊंगी ज़रूर ठीक है सो आई एम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली ठीक है मुझे कोई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हाँ बट जो लोग मेरे पास हेल्प लेने आते हैं मैं उन्हें हेल्प ज़रूर करती हूँ ठीक है जितना मैं कर पाऊँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चीज़ कहते हैं कि मैम हीलिंग कर दीजिए और मैं नहीं करती हूँ ऐसे भी लोग हैं आज मॉर्निंग का ही ये इंसिडेंस है ठीक है वो चीज़ मैं आपके साथ अब किस तरह से शेयर करूं मुझे नहीं पता बट जो लोग सच सुनना चाहते हैं जो अपने रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं जो अपने रिलेशनशिप की सच्चाई को जानना चाहते हैं वो लोग ही प्लीज़ मुझसे जुड़िए बाकी शुगर कोटेड वाले जो ये मोटिवेशन लेने आते हैं कि नहीं नहीं हमारे पार्टनर तो आ जाएंगे हमारे पार्टनर तो अब आ जाएंगे हम अगर अपने आप में मेडिटेशन कर रहे हैं और इवन हमारी मेडिटेशन हमारी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर है फिर भी आपको उसमें करेक्शन ना करते हुए आपको ये कहा जाए कि हाँ आप वही करते रहिए ये काम मैं नहीं कर सकते ठीक है तो आप किससे जुड़ रहे हैं उस पर्सन की क्या पर्सनालिटी है आप प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए ठीक है एंड वन मोर थिंग यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी किसी ने यह भी कमेंट किया था कि आ, पता नहीं कि समथिंग इट वॉज़ लाइक नेगेटिव कि शी इज़ नेगेटिव इन समथिंग मतलब मेरे बारे में कहा था मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मैं कितनी पॉजिटिव हूँ कितनी नेगेटिव हूँ ठीक है मुझे कुछ भी आपको कहने की ज़रूरत नहीं है मेरा और कितना पॉजिटिव है मेरे पास कौन से लोग आ सकते हैं कौन से लोग मेरे साथ जुड़ते हैं वो उनका और, और मेरा और बहुत लेवल तक मैच होता है तभी वो मुझसे जुड़ते हैं ठीक है थीके? और इवन मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनको डायरेक्टली मैं हीलिंग्स प्रोवाइड करती हूँ मतलब वो खुद टैरो रीडर्स हैं लेकिन उनकी हीलिंग मैं करके देती हूँ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं और वो कोई ऐसे नहीं है कि बहुत छोटे लेवल के डारो रीडर्स हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कई लोग ऐसे भी हैं जिनके चैनल्स नहीं हैं लेकिन वो ये काम पर्सनली करते हैं वो जुड़े हुए हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में आपको खुद सोचना चाहिए द अदर थिंग यहाँ पर एक और कमेंट था कि आप अपने आप को भगवान मानती हैं मैंने कभी नहीं कहा मैंने कभी नहीं कहा एक्चुअली पहले जो मेरा प्रोफेशन था मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में थी तो उसकी वजह से जो आपको मेरी लैंग्वेज का थ्रो लगता है वो इस वजह से लगता है कि शायद मैं आपको कुछ बहुत ही डोमिनेटिंग वे से कह रही हूँ नहीं आई यूज़ टू टीच अर्लियर ठीक है और इस वजह से आपको वो मेरे थ्रो में नज़र आता है मेरे शब्दों में नज़र आता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मैंने कभी नहीं कहा मैं ईश्वर हूँ और मैं ईश्वर कभी हो भी नहीं सकती हूँ उसकी सेवक हूँ उसका काम कर रही हूँ बस वही चीज़ है मेरे ठीक है तो मुझे ऐसी बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन आप लोग मजबूर करते हैं और अब आज के बाद किसी का भी कुछ इस तरह का कमेंट आता है पहले तो मैं आपके फ़ोन में जाकर वीडियो को ऑन नहीं कर रही हूँ अगर आपने ऑन कर लिया आपको नहीं पसंद आ रहा स्किप कर दीजिए मूव अवे चाहिए ही नहीं ऐसे व्यूज़ चाहिए ही नहीं ऐसे व्यूअर्स ही नहीं चाहिए ठीक है so, सो इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में ठीक है कि किन लोगों तक मेरी चीज़ पहुंचे और कब तक पहुंचे, वो चीज़ मैं अपने और से भी जनरेट करती हूँ ओके सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी लेकिन कुछ और लोग हैं जिन्हें मेरे साथ जुड़ना है उन्हें जुड़ने दीजिए प्लीज़ ओके सो आज की जो ये रीडिंग है बहुत ही स्पेशल रीडिंग आज ये आपके लिए होने वाली है कई लोग मेरे पास आते हैं ये चीज़ पूछते हैं कि मैम हमारे जो पार्टनर हैं वो एक्चुअली हमसे चाह क्या रहे हैं वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से वो हमसे क्या चाह रहे हैं तो अगर ऐसा कोई सवाल आपके मन में भी है तो आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी ओके आज की रीडिंग का टॉपिक है आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं सो so, आज की जो ये रीडिंग है ये एक कलेक्टिव रीडिंग है बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप प्लीज़ उन्हीं एनर्जीज़ को पिक कीजिएगा बाकी एनर्जीज़ आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा आप मेल हैं फीमेल हैं मैरिड हैं अनमैरिड हैं डिवोर्स हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर अभी अभी, अभी आपका ब्रेकअप हुआ है आज की रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है तो आप सभी जॉडिक साइंस के लिए हैं यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक जॉडिक साइन का नाम नहीं लूँगी सो so, आइए जानते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है? हैं आइए जानते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? आइए जानते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? दैट आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? आइए जानते हैं तो पहला कार्ड है यहां पर जस्टिस का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर है इज़ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर ओके सो आइए अब हम इस डेक से जानते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? आइए जानते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? आइए जानते हैं तो पहला कार्ड है यहां पर नाइट ऑफ टैलिसिस का कार्ड है नेक्स्ट का है क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर देन is टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ वैंस का कार्ड है आइए अब हम इस डेक से जानते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? आइए जानते हैं इस डेक से आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं? आइए जानते हैं तो पहला कार्ड है थंडा बोल्ट का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज करेज का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर इज ट्रस्ट का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर इज पॉसिबिलिटीज का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर इज रिबेल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है ओके इन कार्ड्स के बारे में हम बात बाद में करेंगे पहले हम नीचे वाले कार्ड्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं ओके सो जो आपके पार्टनर हैं वो यहां पर ये यह चाहत रखते हैं कि जो भी इस रिलेशनशिप में सिचुएशन क्रिएट हो गई है वो सिचुएशन खत्म हो जाए और ऐसा नहीं है कि वो आपसे ही सिर्फ चाह रहे हैं कि आप उस सिचुएशन को खत्म कर दें वो खुद भी अपने लेवल पर उस सिचुएशन को खत्म करना चाह रहे हैं ठीक है तो आपके पार्टनर एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं और ये एक्सपेक्टेशन वो आपसे भी रखते हैं और अपने आप से भी रखते हैं ओके तो यहां पर ये जो आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है ये बहुत जायज सी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि जिस सिचुएशन में वो हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए हैं इसी वजह से तो अपने हालातों को खुद नहीं बदल पा रहे हैं आपसे वो किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन यहां पर रख रहे हैं द नेक्स्ट जस्टिस का कार्ड है आपके पार्टनर ना इस बात को समझ गए हैं कि जो कर्मा उन्होंने आपके साथ क्रिएट किया वो एक नेगेटिव कर्मा है ठीक है जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया वैसा उन्हें नहीं करना चाहिए था और इसके लिए जो यूनिवर्स है वो उन्हें पनिश कर रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है ठीक है तो आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट उन्हें इतनी स्पेस दें कि वो आपके साथ जो उन्होंने अन्याय किया है उसको चेंज करके वो आपके साथ न्याय कर पाए अब आप में से कुछ लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि मैम हम तो अपने पार्टनर को उतनी स्पेस देने के लिए तैयार हैं वो खुद ही तो इस रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं है आपकी बात बिल्कुल सही है आप अपने लेवल पर तैयार हैं लेकिन उनके साइड पर इमोशंस की कमी नहीं है लेकिन एक्शंस की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि वो जब अपने इमोशंस को आपके सामने रखें ना तो आप उनसे किसी भी तरीके का कोई सवाल ना पूछें आप उनके इमोशंस को आज जहां पर वो अटके हैं वहां पर खड़े रहकर भी समझें उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई और उनके इमोशंस को उनके हालातों को क्या समझ सकता है जो कि आपके पार्टनर की सोच बिल्कुल जायज़ है आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर को कोई प्यार नहीं करता है ठीक है तो अगर आप ही अपने पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई और आपके पार्टनर को क्या ही समझेगा ये सोचना बहुत हद तक सही है ठीक है तो आपके पार्टनर ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि आप उनके इमोशंस को समझें आप ये ना समझें कि जो थ्री में वो एक्शंस ले रहे हैं वही उनके एग्जैक्ट इमोशंस भी हैं इमोशंस और एक्शंस में बहुत ज़्यादा फर्क है ठीक है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स द सेम एनर्जी आपके पार्टनर आपके सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं लेकिन एक्शन में अभी बहुत ज्यादा कमी है अभी के अभी ये इजहार नहीं हो सकता है तो जो उनकी चाहत है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि वो आपके सामने अपने जज्बातों को खुलकर रखना चाह रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि आप उनके एक्शन पर इस रिलेशनशिप का फैसला ना करें जो अभी थ्री डी में वो एक्शंस ले रहे हैं ना हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी इस थर्ड पार्टी को फेवर कर रहे हों हो सकता है इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हों ठीक है तो आप उस चीज़ को लेकर इस रिलेशनशिप का फैसला ना करें वो चीज़ें कुछ उनकी मजबूरियां भी हो सकती हैं कुछ विद द फ्लो की एनर्जीज भी हो सकते हैं तो आप ये ना समझे कि उनके अंदर आपको लेकर किसी तरीके के कोई जज्बात नहीं है ठीक है अब एक कमेंट और था जो मुझे इस टाइम पर याद आया है बट आई वॉन्ट टू डिस्कस इट विद यू एक किसी ने कमेंट किया था आपकी रीडिंग्स में थर्ड पार्टी हीरो होती है या थर्ड पार्टी प्रोमिनेंट होती है कुछ ऐसा था ठीक है अगर थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना तो इसका मतलब ये है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज़ हैं या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है जैसे कि करियर जैसी भी कभी सिचुएशन थर्ड पार्टी का काम करती है तो अगर वो सिचुएशन नहीं है ना तो इसका मतलब आप किसी इल्यूजन की एनर्जीज के अंदर है कभी भी किसी रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो वो हमेशा किसी न किसी थर्ड पार्टी की वजह से होती है या तो घर की कोई थर्ड पार्टी होती है या बाहर की कोई थर्ड पार्टी होती है ठीक है कई केसेस में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग होती है कई केसेस में उतनी स्ट्रांग नहीं होती है तो जहां पर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी ही नहीं है तो वहां पर आप रीडिंग्स देखने क्यों आ रहे हैं इसका मतलब तो आप ही कहीं एल्यूजन में हैं ठीक है और ये जिताना आप थर्ड पार्टी को जिता रही है मेरे घर की थर्ड पार्टी नहीं है जिसको मैं जिता रही हूँ कोई वोट्स में या इलेक्शंस में नहीं खड़ी है ये थर्ड पार्टी जिसको मैं जिता रही हूँ और वो थर्ड पार्टी जीत रही है तभी तो आप हार रहे हैं ठीक है तो अपने आप में एक्सेप्टेंस लेकर आई है चीजों को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाती हूँ मैं और उसी सिंपलिसिटी से अगर समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी रीडिंग में और अगर रिटेलिएशन के साथ आएंगे तो रिटेलिएशन ही सामने से मिलेगा और अब तो जरूर मिलेगा ठीक है कल की रीडिंग के बाद मैंने ये चीज देख ली है कि अब प्यार से चीजें हैंडल नहीं हो पा रही हैं तो रिटेलिएशन बराबर मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप ये ना समझे कि वो सेल्फिश हो गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप ये ना समझें कि वो एक्सट्रीमली अब आपको नफरत भरी निगाहों से देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कभी मोहब्बत नहीं की आपके पार्टनर को ये चीज समझ आ रही है कि आप उन्हें लेकर एक्सट्रीमली जजमेंटल हो गए हैं आप नेगेटिव से नेगेटिव जजमेंट उनको लेकर पास कर रहे हैं तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस तरह की जजमेंटल एनर्जी उसमें ना रहें ठीक है और उनके प्रति जो भी आपका सॉफ्ट कॉर्नर है वहां से भी तो आपको कोई वाइब्रेशन आती होगी वहां से भी तो कोई आवाज सुनाई देती होगी आप उस आवाज को सुने आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप के प्रति एक मेचोर डिसीजन आप बनाए आप मेचोरिटी से काम लें आप प्रैक्टिकल होकर इस रिलेशनशिप की फेवर में डिसीजन बनाए एक्शंस लें ये एक्शन की चाहत आपके पार्टनर को है आपसे क्योंकि शायद वो वो बैलेंस नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं अपने एक्शन से जिस तरह का बैलेंस वो आपसे चाह रहे हैं जिस तरह का बैलेंस वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने बहुत टाइम में ये कोशिशें है की हैं कि आपको और इस थर्ड पार्टी एनर्जी को वो अपने तरीके से हैंडल कर पाए और चीज़ें बैलेंस में आ जाए लेकिन चीजें नहीं आ पाई है बैलेंस में तो आपके पार्टनर आपसे एक मेच्योर एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम हम हाँ मिच्योर एक्शन तो तब लेंगे ना जब हमारे पार्टनर हमसे खुलकर बात करेंगे वो क्या चाह रहे हैं उसके बारे में वो बात करेंगे कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर इतनी ज़्यादा एप्रीहेंशन की एनर्जीज में होते हैं कि अगर आप उनसे डायरेक्टली इस सिचुएशन के बारे में बात करें या अपने प्यार के बारे में बात करें ना वो रिटालिएट करना शुरू कर देते हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि उन्हें आपसे प्यार ही नहीं है और ये बहुत सारे केसेस में होता है इवन कईयों का हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है और उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि वो अपने पार्टनर से बात करते हैं और सामने से पार्टनर ये चीज़ कहते हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ कि पेशेंस रखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए जैसे ये चेंज होती हैं वही पार्टनर सामने वाले पर्सन के सामने फूट फूट कर रोता है कि मैं ये चीज़ क्यों कह रहा था ये क्यों कह रही थी ठीक है तो यहां पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो आपके पार्टनर हैं वो ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर से उनके प्रति जो भी इमोशंस हैं उन इमोशंस को खत्म ना करें। उन्हें ये डर है कि आप अपने आप को इमोशनली विद्रॉ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में से आपके पार्टनर को ये डर सता रहा है कि आप कहीं खुद को कंप्लीटली इस रिलेशनशिप से डिटैच ना कर लें ठीक है तो यहां पर जो Queen of Cups का कार्ड है आपके पार्टनर ये चाह रहे हैं कि आप अपने इमोशंस की सुने आप अपने दिमाग की ना सुने आप अपने इमोशंस की सुने आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप भी उनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए तैयार हो जाएं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हम तो कब से तैयार बैठे हैं हमारे पार्टनर ही तो हमारी तरफ आ नहीं रहे हैं आपके पार्टनर ये चाह रहे हैं कि ये जो स्टेबल कमिटमेंट है ना ये दोनों की तरफ से बने आपकी तरफ से भी बने उनकी तरफ से भी बने आपको जो भी डाउट्स हैं ना अपने पार्टनर को लेकर वो डाउट्स आप रिलीज कर दें ऐसी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर आपसे रख रहे हैं आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का चार्ज आप अपने हाथ में लें आप अपने तरीके से इस रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें आप अपने तरीके से इस रिलेशनशिप कोस करने की कोशिश करें आप अपने तरीके से इस रिलेशनशिप को ऑन ट्रैक लेकर आए आपके पार्टनर को कम एफर्ट्स लगाने पड़े आप ही कुछ ऐसा कर दें उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे इस वजह से क्योंकि वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस वजह से वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर उनके अलावा किसी को जगह ना दे अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो खुद तो थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे हैं और हमें रुकने के लिए कह रहे हैं वो आपको सिर्फ रुकने के लिए नहीं कह रहे हैं वो ये चाहते हैं आपसे कि आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बदलें ताकि उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएँ और वो फिर आपके लिए स्टैंड ले पाए ठीक है तो ये बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर की अब वो स्टैंड क्यों खुद नहीं ले पा रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एनर्जीज उनके अराउंड ऐसी बनी हुई है ना जो कॉम्प्लिकेटेड हैं जो उनके अपने कंट्रोल में नहीं है तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ में उनकी मदद करें कि सिचुएशन उनके अपने कंट्रोल में आ पाए ठीक है तो आपके पार्टनर ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह का उनका एक ड्रीम है कि वो आपके साथ अपने इस रिलेशनशिप को एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं इस रिलेशनशिप में मैरिज हो कमिटमेंट हो आपके दोनों के आपस में बच्चे हों ठीक है वो उस तरह का ड्रीम आपका भी होना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर ये चीज़ आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर किंग ऑफ वन्स का कार्ड है जो आपके पार्टनर हैं वो ये चाह रहे हैं कि आप ना उन से कभी भी अपनी डायरेक्शन चेंज ना करें आप हमेशा यूनी डायरेक्शनल होकर अपने पार्टनर की ओर बढ़ते रहें आप अपने पार्टनर को गलत ना समझें आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर मेचॉरिटी से हर चीज़ को एनालाइज करें आप इमोशनल होकर इस रिश्ते को लेकर फैसले ना बनाएं। ये चीज़ आपके पार्टनर चाह रहे हैं यहाँ पर रेबल का कार्ड है जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये चीज़ समझें कि वो भी इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए एक्शंस लेते हैं लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस को तोड़ने की कोशिश भी वो बहुत बार कर चुके हैं लेकिन वो इन लिमिटेशंस को नहीं तोड़ पाए हैं वो रिबेलियस हैं वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं ले लेना चाहते हैं बिल्कुल चाहते हैं लेकिन वो लिमिटेशंस उन्हें रोक रहे हैं आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि अभी इस रिलेशनशिप में सब कुछ ख़त्म नहीं हो गया है इस रिलेशनशिप में चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं वो जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिलेशनशिप के लिए आप उनके ऊपर फोकस करें ठीक है पॉसिबिलिटीज़ हैं बिल्कुल है अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये चीज़ नज़र आ रही है ना कि उन्हें पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर अब विश्वास करें नो no डाउट उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है आपको ये फील हुआ होगा कि उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है लेकिन आपके पार्टनर आज के टाइम पर चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करें ठीक है ये चाह रहे हैं वो आपसे आपके पार्टनर को ये बात पता है कि इस रिश्ते को सही करना उतना आसान नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है विजडम की ज़रूरत है लेकिन आपके पार्टनर को ये भी पता है कि ये हिम्मत आप में है ये विजडम आप में है तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप करेज के साथ अपने इस रिलेशनशिप को सही करने में उनकी मदद ठीक है मदद का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर ने कुछ प्लानिंग कर रखी है आप उसमें हिस्सेदार बन जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है आपके पार्टनर के पास कोई प्लानिंग नहीं है कोई प्लान उन्होंने ऐसा नहीं बनाया आपके पार्टनर को बस ये पता है कि इस सिचुएशन में अगर उनका रिलेशनशिप ग्रोथ की एनर्जीज़ में जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से जा सकता है तो आपके पार्टनर ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में अपनी हिम्मत ना हारें और ये जो टावर मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में इस थर्ड पार्टी के द्वारा चैनलाइज हुआ है इस थर्ड पार्टी की वजह से जो आप दोनों एक टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस टावर मूवमेंट को आप ख़त्म करें ये आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर तो अब आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत क्लियर नजर आ रही हैं आपके पार्टनर ये सब कुछ खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं कभी सोचा आपने इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पार्टनर के अराउंड लिमिटिंग ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। जब तक वो ओवरकम नहीं होंगे तब तक चीजें सही नहीं होंगी अब वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं तभी तो अभी तक सिचुएशन सेम ही चल रही है ठीक है तो तभी आपको कहा जाता है कि आप अपने पार्टनर के ऑब्स्टिकल्स को समझने की कोशिश कीजिए इसमें मैं अपने बेनिफिट के लिए नहीं कह रही हूँ मुझसे समझना मुझसे समझ लीजिए किसी और से समझना किसी और से समझ लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है लेकिन अपने पार्टनर के ऑब्स्टिकल्स को समझने की कोशिश कीजिए उसके लिए आप रीडिंग लीजिए ब्लॉकेजेस को जानिए अकॉर्डिंगली आप कोई भी हीलिंग का प्रोसेस या फिर रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं मुझसे गो थ्रू करना चाहते हैं मुझसे कर लीजिए किसी और से करना चाहते हैं किसी और से कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बट रिश्ते को संभाल लीजिए अगर रहना चाहते हैं इस रिश्ते में ठीक है और अगर मेरे साथ ये बुकिंग करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके सो डू शेयर माय वीडियो आल्सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टारो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चैनल पर मैं कुछ ऐसे वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजुल गाइडेंस रोज़ रात आठ बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ सो तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू सून